नमस्कार, बॉन लाइफ आर्टिफिशियल लिम सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंभु कुमार यादव, प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक कंसल्टेंट। आज आपके लिए एबोव नी प्रोस्थेटिक लेग, जो घुटने से ऊपर जिनका लेग कट जाता है उनके लिए प्रोस्थेटिक लेग जो होते हैं, आर्टिफिशियल लेग जो होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, कैसा दिखते हैं, उनकी क्या क्या फीचर्स होती है, उसमें कितने प्रकार के कंपोनेंट लगते हैं, ये सारी जानकारियां आज इस वीडियो के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि एबोव नी प्रोस्थेटिक लेग क्या है। जिनका घुटने से ऊपर एम्पुटेशन मतलब पैर कट जाता है, उनके लिए एबोव नी प्रोस्थेटिक लेग हम लोग डिजाइन करते हैं। ये जो है एबोव नी प्रोस्थेटिक लेग है, जो कि आप इस प्रकार देख पा रहे होंगे। इसमें जो है शॉकेट जो है, ये ग्रीन वाला पार्ट जो है आपका शॉकेट पार्ट है। ये जो है टर्न टेबल, इसको रोटेशन एडेप्टर भी बोलते हैं। इसको बटन दबाने से आप पैर को आलथी पालथी मार सकते हैं। ये उसके नीचे जो होता है, ये नी ज्वाइंट होता है, जिसको आप मोड़ सकते हैं घुटना बैठते समय, और चलते समय घुटना ऑटोमेटिकली ये मूव करता रहता है, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे। और इस तरह से नीचे ज़मीन तक आप बैठ सकते हैं इस आर्टिफिशियल लेग को लगा करके। और ये जो पार्ट है, घुटने से नीचे का जो पार्ट है, इसको हम लोग पाइलोन बोलते हैं, जो कि आपके जो घुटने से नीचे की जो दूरी है, जो नुकसान हुआ है, वो इससे कनेक्टेड होते हैं। अब ये जो है आपका फुट पार्ट है, आप देख पा रहे होंगे कि ये फुट पार्ट है, जो फुट की जो साइज होती है, जो नॉर्मल आपकी फुट की साइज, उसके साइज के बराबर का ये फुट लगा होता है। इसमें सबसे बढ़िया फीचर ये है कि आप जो है स्लीपर भी डाल सकते हैं। इसमें जो है अंगूठा देख रहे होंगे कि स्प्लिटेड है, और इसमें एक वाटरप्रूफिंग फीचर्स होते हैं, जिसके कारण जो है पानी में भी अगर चला जाता है पैर, तो आप इससे सेफली, इसको कोई भी तरह के नुकसान नहीं होता है। अब हम आते हैं कि क्या ये पैर इसी प्रकार दिखेगा, या इसको कवर करने के बाद कैसा दिखेगा, या इसी प्रकार को लगाने के। इंटरनली तो पैर ऐसा ही दिखता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें इससे फोम कवर जैसे नेचुरल, जब इसे हम पूरा फिनिश कर देते हैं, तो ये आपके नेचुरल लेग के तरह आप देख पा रहे होंगे कि ये आपको नेचुरल लेग के तरह आपको दिखेगा। अब ये जो है, आप कोई भी सूज या सैंडल जो भी आप पहनना चाहते हैं, इसके थ्रू आप पहन सकते हैं। और बहुत ही लाइट इन वेट होता है प्रोस्थेटिक लेग, जो हाईटेक होते हैं, और उसको पहनने से आसानी से आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी छड़ी डंडा लिए हुए आप चल सकते हैं, गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, और भी काम काज कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। अब ये देख पा रहे होंगे कि इसमें जो ये ब्लैक वाला जो है, ये पार्ट जो है रोटेशन एडेप्टर है। रोटेशन एडेप्टर को मैंने दबाया और इसको हमने पैर को चारों तरफ ऐसे घुमा दिया। ये देख पा रहे होंगे कि ये पैर जो है रोटेशन एडेप्टर के बाद जैसे पालथी मार सकते हैं, और भी आपको जैसे चेयर पे जूता पहनना है बैठ करके क्रॉस लेग करके, या पूजा करना है, तो आप ऐसे आलथी पालथी मार सकते हैं, और सीधा खड़े होंगे तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। तो इस तरह से जो है, ये जो आपकी रोटेशन एडेप्टर है, जैसे नवाज अदा करते हैं या जमीन पे पूजा आलथी पालथी मार करके करते हैं, तो ये जो रोटेशन एडेप्टर का जो मेन फंक्शन है, ये सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है हमें ज़मीन पर बैठने में, क्रॉस लेग सिटिंग में। तो ये सारे इसकी मेन फीचर्स हैं। और इसकी जो है अलग अलग ब्रांड में अलग अलग इसकी क्वालिटी आती है, और वेट लिमिट भी 100 केजी से लेकर के 150 केजी तक अलग अलग ब्रांड में अवेलेबल होते हैं। आप इसको लगा करके क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको क्रॉस लेग सिटिंग में आप कर सकते, क्रॉस लेग सिटिंग कर सकते हैं, साथ साथ आप ज़मीन पर आलती पालती मार करके बैठ सकते हैं, नवाज अदा कर सकते हैं। अगर आप साथ साथ जो है पूजा पाठ में आपको बहुत इजी हो जाता है, जूते पहनने में आसानी हो जाती है, और भी जो क्रॉस लेग सिट, जैसे कि आप सोफा पे बैठे हुए हैं तो एक पैर पे चढ़ाकर के दूसरे पैर को आप क्रॉस लेग सिट कर सकते हैं। तो ये सारे जो फीचर्स हैं, जिससे कि पैर ज़्यादा रिलैक्स रहता है, और आपको आसानी से नॉर्मल रूटीन की सारी काम करने में काफ़ी मदद मिलती है। ये कभी भी लग सकती है पूरा प्रोस्थेटिक लेग बनने के बाद भी, लेकिन स्टम्प की लेंथ और नी जॉइंट की लेंथ के बीच में कम से कम लगभग 3-4 सेंटीमीटर का दूरी होना जरूरी है। सॉकेट से लेकर के नी जॉइंट के बीच में आइडियली जो दूरी होना चाहिए वो लगभग 8-10 सेंटीमीटर का है, तब ये रोटेशन अडेप्टर बहुत अच्छे तरह से लग सकता है। लेकिन अगर आपकी दूरी नी जॉइंट के बराबर है, तो इसकी लगाने से दूरी जो है नीचे की तरफ खिसक जाती है, तो फिर नी जॉइंट के जो सेंटर है वो दोनों एक दूसरे को मैच नहीं करता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि रोटेशन एडेप्टर कब लग सकता है, कब नहीं लग सकता है, किसको लग सकता है, किसको नहीं लग सकता है,
तो लग किसको सकता है, जिसकी जो है स्टंप लेंथ अगर नी ज्वाइंट से लगभग 10-12 सेंटीमीटर ऊपर कटा है तो बहुत आसानी से लग सकता है, लेकिन अगर नी के जड़ से कटा हुआ है तो उनके लिए थोड़ी सी दूरी अगर ये लगाएंगे तो लगभग 3-4 सेंटीमीटर नी नीचे की तरफ प्रोट्यूड कर जाएगा। तो उस केसेस में इस ये रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि फंक्शनल एस्पेक्ट ज़्यादा अच्छा होता है कॉस्मेटिक एस्पेक्ट से। और आप बैठते हैं तो दोनों नी सेंटर लाइन में मैच होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी अगर आपको इससे कोई भी संबंधित जानकारियां प्राप्त करना हो, इसकी प्राइस रिलेटेड, साथ साथ जो है अगर आपको कोई भी इसकी फीचर्स रिलेटेड, ब्रांड रिलेटेड, तो आप हमें वीडियो में दिए गए संपर्क सूत्र पे आप कॉन्टैक्ट करके सारा कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और निरंतर बने रहने के लिए जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें, ताकि हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक हमेशा सदा पहुंचाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।